मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अल्प प्रवास के दौरान उज्जैन हवाई पट्टी से टीकमगढ़ के बाद पीड़ितों से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कुड़िला तहसील के महोबिया घाट पर धशान नदी के टापू पर 24 घंटे से फंसे रामचरण रेकवार और राममिलन यादव से बातचीत कर उनके हालचाल लिए। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ समेत प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों पर लगातार नजर बनाए रखी है। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक रोहित केसवानी से भी बातचीत की और बाढ़ आपदा में फंसे लोगों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवानों की सराहना की। उन्होंने जवानों को उनके साहस और तत्परता के लिए बधाई दी और एसपी को निर्देश दिया कि इन जवानों को सम्मानित किया जाए। एसपी ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जवानों को माला पहनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि महाकाल की कृपा से सभी प्रदेशवासी सुरक्षित रहें। उन्होंने अतिवृष्टि की स्थिति में सभी से सतर्क और सजग रहने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर नदी किनारे या जल जमाव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को बाढ़ की स्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी आपदा से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने आगामी मौसम की चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक लगातार बारिश हो सकती है, इसलिए सभी को सचेत और सुरक्षित रहने की जरूरत है। नमस्कार, ऑपरेशन कर लिया सर, आप दोनों बात करना चाहेंगे? आपकी मेहमानी से बाहर आ गए हैं, आपकी आपकी टीम ने निकाल लिया हमको सुरक्षित। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? राममिलन यादव। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? चलो अच्छा है, भगवान की दया, महाकाल की कृपा आप सब पे, बहुत अच्छा। सभी सारे लोगों को मिलकर के सबको ध्यान रखना और अब पानी वानी आकर बचाव रखना अपने आप का है ना, दोबारा गिराना मत ऐसी स्थिति। सभी सभी जवानों को बधाई देता हूँ मैं अपनी तरफ से, जो जितने भी जवान है और उनको सबको, जो जितने लोग, कितने लोग थे रेस्क्यू टीम में? चलिए बढ़िया बढ़िया। एस पी कहाँ? एस पी नमस्कार, एक काम करना है, इनको सबको पुरस्कार देना, ये पूरी टीम है ना, पूरी टीम को सर आप की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं और पुरस्कार भी सर इनको देंगे।